हेदा लुईस, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आजकल एक शिकायत बहुत आ रही है, मैम आप ना सारी रीडिंग्स लवर्स के लिए करते हो, आप ना सारी रीडिंग सिर्फ रिलेशनशिप वालों के लिए करते हो। ऐसा नहीं है मेरी जान, मैं रोज़ सुबह 10:10 का वीडियो डालती हूँ, वो कलेक्टिवली होता है, सबके लिए होता है। रात को 8:08 का वीडियो डालती हूँ, वो भी कलेक्टिवली होता है, सबके लिए होता है। ये जो 12:12 की रीडिंग्स होती है, हमेशा किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बनाती हूँ रीडिंग्स, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। रोज़ 3 वीडियो आते हैं, 3 यहाँ पर, 3 इंस्टाग्राम पर, कभी कभार इंस्टा पर 2 पोस्ट कर देती हूँ, तो मैं सबके लिए पोस्ट करती हूँ, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट। जो 11:11 टेक्निक आप कर रहे हो, सबकी पिक्चर्स आ रही हैं मेरे पास, देखो हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप चीज़ों को इतने ट्रस्ट के साथ करते हो, और मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ट्रस्ट आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट दिलवाने वाला है। ध्यान रखें, स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है 8109895050, यही मेरा ऑफिशियल नंबर है व्हाट्सएप का, इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। पेमेंट नंबर भी ये सेम है, क्योंकि स्कैमर्स ने बड़े अच्छे अच्छे पेमेंट नंबर्स बना लिए हैं, UPI IDs बना लिए हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं, इसलिए आप लोग को अवेयर करना चाहती हूँ कि इससे अवेयर रहें। और इंस्टाग्राम की भी मेरी एक ही ऑफिशियल ID है, दैट इज़ _optimistic_33। अब बहुत सारे लोग पता है स्कैम में फंस जाते हैं, क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं वो कभी II लगा देते हैं, कभी _ लगा देते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा अवेयर रहिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे किसी को भी पर्सनली मैसेज नहीं करती हूँ फॉर एनी सॉर्ट ऑफ सर्विस, तो अवेयर रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स। कलेक्टिवली आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में क्या सोच रहे हैं भाई, आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं आज के दिन, इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं शफल करूँगी, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, अपने पार्टनर की इमेज विजुअलाइज करें, इनहेल एक्सहेल करें, देखते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज क्या है। माता रानी गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज। ओ गॉड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज क्या है डिवाइन? पहला कार्ड है द हर्मिट का। मेरे व्यूअर के पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 7 of Cups, द हर्मिट, 7 of Cups, ओके, द टावर, 6 of Pentacles, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सारे कार्ड्स आप लोग के सामने हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहे होंगे। द हर्मिट, 7 of Cups, द टावर, 6 of Pentacles, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, इतना ज्यादा सोच रहा है, इतना ज्यादा सोच रहा है कि आप ही नहीं सोच सकते। इनकी फीलिंग्स को देखकर ही क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है दैट दिस पर्सन इज रियली थिंकिंग अबाउट यू। आपको लेकर बहुत ज़्यादा भगवान से मांग रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आज इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मौके आ रहे हैं और ये आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे मौके ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं जहाँ पर ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं। इनको एहसास है कि पास के टाइम में मैंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं जो नहीं बोलनी चाहिए थी, इनको एहसास है कि पास में मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने अपने ईगो में आकर करी है, अपने ईगो में आकर अच्छा खासा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैम्पर करा है, अपने ईगो में आकर अच्छा खासा रिलेशनशिप बहुत हैम्पर करा है, अपने ईगो में आकर जो चीज़ें अच्छी चल रही थी, जो रिलेशनशिप इतना बढ़िया चल रहा था, वो बहुत ख़राब करा गया है। टॉक्सिक लड़ाइयाँ भी हुई हैं, गलत बोला भी गया है, गलत रेसिप्रोकेट भी करा हुआ है, और कुछ लोगों ने आपके पार्टनर के माइंड को भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है, इन्फ्लुएंस बहुत दिख रहा है,
या तो आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा सिखा पढ़ा दिया है कि ऐसा करना है, ये करना है, और आपका पार्टनर भी बेचारा इतना भोला है कि सबकी बातों में आ गया, और आज इसी वक्त इसी चीज़ का गिल्ट इनको बहुत हो रहा है कि मैं क्यों सबकी बातों में आया। आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को बहुत दिया है, आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में बहुत कोशिश करी है, लेकिन एक सबसे अच्छी बात ये दिख रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप का एक बुरा फेज़ ख़त्म हुआ है, आप दोनों के रिलेशनशिप का एक एंड फेज़ ख़त्म हुआ है। आने वाले समय में देखो एक अच्छी बिगनिंग तो होते हुए दिख रही है, आने वाले समय में एक अच्छी शुरुआत आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकती है, फॉर श्योर, ये तो कार्ड्स में 100% दिख रहा है। लेकिन ये जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना आपके पार्टनर को, आज आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे उनकी बातों में नहीं आना था, आज आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि यार मैं क्यों उनकी बातों में आ गया, उसकी वजह से एक अच्छा खासा हंसता खेलता रिलेशनशिप मैंने ख़राब कर लिया है। रियलाइजेशन पार्टनर को बहुत हो रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, पता है, ये अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान भी बहुत हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव भी बहुत हो रखे हैं, जिसकी वजह से बता नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें कितनी नेगेटिवली इनके दिमाग में चल रही हैं। पर्सन नेगेटिव बहुत हो रहा है, अकेलापन बहुत महसूस कर रहा है, अंदर ही अंदर चीज़ें खाई जा रही हैं, लेकिन जितना इन्वेस्ट करा है ना वो मिलेगा, जितना इन्वेस्ट करा है, जितना इस रिलेशनशिप को दिया है वो आपको मिलेगा। आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे मौके आने वाले हैं जहाँ पर ये पर्सन कनेक्ट कर सकता है, ये पर्सन बात कर सकता है, क्योंकि रियलाइजेशन पीक पर है, रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, रियलाइजेशन हद से ज़्यादा हो रहा है, और ईगो का इशू बहुत है। डिवाइन गाइड करें इस रिलेशनशिप के लिए, गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को, इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए आज के दिन, मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। जिन जिन लोगों ने इस रीडिंग को बिल्कुल रेजोनेट करा है, जिन लोगों को लगा है कि सेम यही चीज़ चल रही है, प्लीज़ उनको गाइडेंस दीजिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए। ओके, देखो शेयर द लव, खुद यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर उदास हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर चीज़ों को लेकर परेशान कर रहे हैं। नाउ यू नीड टू शेयर द थिंग्स, आप दोनों को एक दूसरे के साथ बातें शेयर करनी चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखो उदासी में रहोगे, उदास होकर बैठोगे तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा नेगेटिव होगी। बहुत बातें ऐसी भी हुई हैं जो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितना भी डिस्टेंस आया है उस डिस्टेंस को ख़त्म करो, रिकन्सिडर कर लो, जो चल रहा है चलने दो, आगे जाकर यही रिलेशनशिप बहुत बढ़िया होगा, आगे जाकर यही रिलेशनशिप में एक बिगनिंग होगी। आपको भी बहुत अंदर ही अंदर उदासी है कि तुमने क्यों मेरी बात नहीं सुनी, तुमने क्यों मेरी बातों को अंडरस्टैंड नहीं करा, कहीं ना कहीं आप भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन देखो कार्ड्स खुद कह रहे हैं कि अब सामने वाली पार्टी को एहसास हो रहा है, ये एक कार्ड नहीं दोनों कार्ड का संकेत आ रहा है कि अब सामने वाले पर्सन को चीज़ों का एहसास हो रहा है, अब सामने वाला पर्सन चीज़ों को समझ पा रहा है, अब सामने वाला पर्सन चीज़ों पर वर्क करना चाह रहा है। एक रियलाइजेशन फेज इनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। एक और कार्ड निकालूंगी मैं, दो कार्ड्स और निकालूंगी, वन कार्ड एंड बॉटम डेक, एक कार्ड और निकालेंगे यूनिवर्स, वन मोर कार्ड, ठीक है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस एंड रीच आउट, वाओ, ये आपको बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं, ये आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं, ये बहुत जल्दी आपको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बहुत जल्दी आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये 100% सच है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। कितनी भी चीज़ें ख़राब क्यों ना हो जाए, आज भी बैठे बैठे सोचते हैं कि जाकर बात करना है, चीज़ों को क्लियर करना है, अब नेगेटिविटी नहीं रखना है, दिन भर ही आपको लेकर सोचते हैं, दिन भर ही आपको लेकर डिसीजंस बनाते हैं, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं कैसे चीज़ों को ठीक करूँ, हर चीज़ पर ध्यान है, तभी रियलाइजेशन हो रहा है। और यूनिवर्स आपको खुद बोल रहे हैं जो चल रहा है चलने दो, उसको हील करो, उसको ठीक करो, और साथ ही साथ उसको रिकन्सिडर करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ता जाएगा और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम देगा। तो इस चीज़ पर वर्क करें, इस चीज़ पर ध्यान दें, कंसिस्टेंसी के साथ रेमेडीज़ करें, रेमेडीज़ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे रितिका गुप्ता लव टेक्निक्स, आपको बहुत सारी टेक्निक्स मिल जाएगी, जो आपको बेस्ट लगती है, फेवरेबल लगती है, आप वो कर सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जो आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ ट्राई करने के लिए मत करना, दिल से भरोसे के साथ करोगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट एनर्जीज, इस वक्त ये सोच रहे हैं कुछ ऐसा, और मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा आज 8:08 पर आप लोग के लिए कुछ स्पेशल है, तो उसको मिस ना करेंगे।
मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। स्कैमर्स से अवेयर रहें। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर, स्क्रीन पर दी हुई आईडी ही रियल है। बाकी सब स्कैमर्स ने मेरे नाम के फेक अकाउंट विथ माई फेक फोटो बनाकर रखा है, तो अवेयर रहिएगा। आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। और हाँ भाई, एक और बात, एक मिनट रुक जाओ। जितने भी लोग व्हाट्सएप पर हाई हेलो भेजते हैं, कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज कर दें, हम मैसेज देखकर आपको रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता 24-24 घंटा व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहना, तो जब एक स्पेसिफिक टाइम पे हम ऑनलाइन आते हैं आपको रिप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन होकर कभी रिप्लाई नहीं कर पाते तो समझ जाए करिए किसी प्रकार का वर्क कर रहे हैं, किसी प्रकार का यू नो वर्क करा जा रहा है, तभी हम आपको नहीं रिप्लाई कर पा रहे। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मैसेज करके छोड़ दीजिए, वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे राधे राधे।